मुगल बादशाह हो और इनकी एम्पायर के बारे में तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सन 1526 यानी पहले मुगल बादशाह बाबर से लेकर 1857 मुगल की आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक तमाम बादशाहों की मुख्तसर तारीख और तारुफ कराऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बाबर 1526 से 1530। बाबर का पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। बाप का नाम उमर शेख मिर्जा था जो परगाना वैली का सरदार था। माँ का कुदलक निगार खानम था। बाबर ने 9 के करीब शादियाँ की जिनमें आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम वगैरह शामिल थी। आपके 18 बच्चे थे जिनमें 9 लड़के और 9 लड़कियाँ थी। जाहिरुद्दीन बाबर ने मुगल सुल्तनत का संग बुनियाद रखा और सन 1526 से सन 1530 तक इंडिया पर राज किया। 47 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के शहर आगरा में बाबर इस दुनिया से रुखसत हुए और बाबर को बागे बाबर काबल यानी अफगानिस्तान में दफन किया गया। हमायून 1530 से 1540 और 1555 से 1556। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बीवी माहम बेगम से सन 6 मार्च 1508 को अफगानिस्तान के शहर काबल में पैदा होने वाला बच्चा जो हमायून के नाम से मशहूर हुआ और इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हमायून ने 7 के करीब शादियां की जिनसे 11 के करीब बच्चे हुए जिनमें अकबर बादशाह भी शामिल है। हमायून ने मुगल सुल्तनत पर पहले 1530 से 1540 तक 10 साल तक बादशाहत की और फिर 1555 से 1556 तक भी बादशाहत के ओहदे पर पाइज रहे। मुगल सुल्तनत का ये बादशाह अपने बाप की तरह 47 साल की उम्र में 27 जनवरी 1556 में दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली और हमायून खान मजार दिल्ली में आज दफन है। कहा जाता है कि हमायून की मौत लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई। अकबर 1556 से 1605। हमायून की वफात के बाद इनके बेटे अकबर तख्त पर बैठे जिसने हमीदा बानो बेगम के कोख से 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान सिंध के इलाके उमरकोट में आंख खोली। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। अकबर ने 6 शादियां की जिससे इनके 10 बच्चे हुए जिनमें जहांगीर भी था। अकबर बादशाह 1556 से 1605 तक शहनशाह हिंदुस्तान रहा और 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में आखिरी सांस ली। इन्हें हिंदुस्तान के शहर आगरा में दफन किया गया है। जहांगीर 1605 से 1627। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो अकबर बादशाह का बड़ा बेटा था। जहांगीर 31 अगस्त 1569 को हिंदुस्तान के शहर फतेहपुर में पैदा हुआ। 3 नवंबर 1605 में जब शहनशाह अकबर वफात हुआ तब जहांगीर को बादशाहत का तख्त भी मिला और नाम जहांगीर भी। जहांगीर बादशाह 1605 से 1627 तक मुगल सुल्तनत का बादशाह रहा। जहांगीर ने 8 शादियां की जिनसे इनको 5 लड़के और 10 लड़कियां हुई। लड़कों में शाहजहां भी शामिल था। 1611 को शेर अफगान की खूबसूरत और अकलमंद बेवा मेहरुन्निसा से शादी की जो बाद में नूरजहां के नाम से मशहूर हुई। नूरजहां के बारे में मशहूर है कि इसने बंदूक के 6 गोलियों से 4 शेरों का शिकार किया था। बादशाह जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को 58 बरस की उम्र में जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में वफात पाई। शहरयार 1627 से 1628। नाजरीन जहांगीर के मौत के बाद इनके सबसे छोटे बेटे ने अपनी सौतेली माँ नूरजहां जो इसकी सास भी थी इनकी मदद से बादशाहत के तख्त पर बराजमान हुए। 7 नवंबर 1627 को सिर्फ 23 साल की उम्र में बहादुर शमशीर बादशाह बना और 23 जनवरी 1628 को अपने बड़े भाई शाहजहां के हाथों मारा गया और तख्त पर शाहजहां बैठ गया। शहरियार को लाहौर में दफन किया गया है। शाहजहां 1628 से 1658। शहाबुद्दीन मोहम्मद जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां मुगल सुल्तनत का 5वां बादशाह था जो 1628 से 1658 तक तख्त पर बैठा रहा। शाहजहां के दौर में मुगल सुल्तनत अपने कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर थी। 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा होने वाला इस बादशाह ने आगरा में दौर जदीद का अजूबा ताजमहल बनाया जो आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देती है। ये भी मशहूर है कि शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल को मरने के बाद ताजमहल की दीवारों में कहीं नामालूम जगह पर दफनाया था। 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में 74 बरस की उम्र में शाहजहां
इस दुनिया से कूच कर गया। औरंगजेब 1658 से 1707। शाहजहां का बेटा मुहीउद्दीन मोहम्मद यानी औरंगजेब जो 4 नवंबर 1618 को गुजरात में पैदा हुआ। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसमें ये बताया जाता है कि औरंगजेब अपने आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ था, हदीस को शौक से पढ़ता था और हाफिज़ कुरान भी था। औरंगजेब ने 3 शादियाँ की जिससे इनको 10 बच्चे हुए। इनके 49 साल दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत ने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा इलाकों और लोगों पर बादशाहत की, जिनमें 158 मिलियन लोग शामिल थे। 3 मार्च 1707 को 88 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज औरंगाबाद के मज़ार में दफन है। मोहम्मद आजम शाह 1707 से 1707। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मोहम्मद जो आजम शाह के नाम से मशहूर हुआ, आजम शाह औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। 1653 को बुरहानपुर इंडिया में पैदा होने वाला ये नौजवान मुगल सल्तनत के तख्त पर सिर्फ 3 महीनों तक बैठ सका। आजम शाह ने 2 शादियाँ की जिससे इनको 10 बच्चे थे। 8 जून 1707 को आजम शाह दुनिया से कूच कर गया। बहादुर शाह अव्वल 1707 से 1712। बहादुर शाह अव्वल जो मोहम्मद मुआज़्ज़िम और शाह आलम के नामों से भी मशहूर है, 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला इस नौजवान ने अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ साजिश की और मोहम्मद आजम शाह के बाद खुद तख्त पर बैठा। 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक ये मुगल सल्तनत का बादशाह रहा। इन्होंने 4 शादियाँ की जिससे इनको 10 के करीब बच्चे हुए। 27 फरवरी को लाहौर पाकिस्तान में इसने आखिरी सांस ली और मोती मस्जिद दिल्ली में इसे दफन किया गया। जहांदर शाह 1712 से 1713। मिर्जा मोहम्मद मुआज़्ज़ुद्दीन जो जहांदर शाह के नाम से भी मशहूर हुआ, जहांदर शाह ने अपने बाप बहादुर शाह अव्वल की मौत के बाद मुगल सल्तनत पर 27 फरवरी 1712 से 11 फरवरी 1713 तक हुकुमरानी की। जहांदर शाह 9 मई 1661 को पैदा हुए, जबकि 12 फरवरी 1713 को दिल्ली हिंदुस्तान में इनकी मौत वाकई हुई। जहांदर शाह का शाही और पूरा नाम शहनशाह गाजी अबुल फैद मुआज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद जहांदर शाह साहिब केरन पातशाही जहां था। फरुख सियार 1713 से 1719। शहीद मजलूम फरुख सियार 20 अगस्त 1685 को हिंदुस्तान के शहर औरंगाबाद में पैदा हुआ। फरुख सियार ने अपने चचाजाद भाई और मुगल सल्तनत के बादशाह जहांदर शाह को मौत के घाट उतार कर खुद गद्दी पर सन 11 जनवरी 1713 को बैठ गया। कहते हैं कि फरुख सियार खूबसूरती के साथ साथ इतना मासूम था कि इसके वजरा और एडवाइजर्स अपने पसंद के फैसले इससे करवाते थे। फरुख सियार 18 फरवरी 1719 तक बादशाह रहा। दिल्ली में 19 अप्रैल 1719 को अल्लाह को प्यारे हुए और इनको हमायूं मजार दिल्ली में दफन किया गया है। रपीउद दरजात 1719 से 1719। 1 दिसंबर 1699 को पैदा होने वाला ये नौजवान अजीम उशान का भतीजा और रपीउद शान का बेटा था। 28 फरवरी 1719 से 6 जून 1719 की कलील मुद्दत तक रपीउद दरजात मुगल सल्तनत का हाकिम रहा। 6 जून 1719 को 19 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी मरज की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुआ। शाहजहां सानी 1719 से 1719। जून 1696 में पैदा होने वाला ये नौजवान जो अपने छोटे भाई और मुगल सल्तनत के बादशाह रपीउद दरजात के मौत के बाद 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक बचा रहा। अपने भाई की तरह ये नौजवान भी उस वक्त के लाइलाज मरज टीबी से मौत के आगोश में चला गया। इनकी मौत 18 सितंबर 1719 को फतेहपुर के नज़दीक बिदियापुर के इलाके में हुई। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी मशहूर हुआ, 7 अगस्त 1702 में अफगानिस्तान में पैदा हुआ और 26 अप्रैल 1748 को वफात हुआ। शाहजहां सानी के बाद 27 सितंबर 1719 को मुगल सल्तनत के तख्त पर बराजमान हुआ और 29 साल तक यानी 26 अप्रैल 1748 तक बादशाह रहा। मोहम्मद शाह को 4 शादियों में से 6 के करीब बच्चे हुए। तारीखदान कहते हैं कि मोहम्मद शाह के दौर हुकूमत में मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हुआ।
अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। मिर्ज़ा अहमद शाह जो अहमद शाह बहादुर के नाम से जाना जाता है, अहमद शाह बहादुर 23 दिसंबर 1725 को दिल्ली में पैदा हुआ और अपने वालिद मोहम्मद शाह के मरने के 23 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 1748 को तख्त पर बैठा और 2 जून 1754 तक बादशाह रहा। 1754 में ही इनसे बादशाहत छीन ली गई और सलीमगढ़ के एक किला में इनको कैद किया गया, जो 21 साल तक वहाँ कैद रहा और आखिरकार कैदखाने में ही 1 जनवरी 1775 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आलमगीर सानी 1754 से 1759। अहमद शाह बहादुर के जेल जाने के बाद आलमगीर सानी तख्त नशीन हुआ और 1754 से 1759 तक मुगल सुल्तनत के तख्त पर बैठा रहा, लेकिन 1699 में पैदा होने वाले इस बादशाह के पास हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं था। आलमगीर सानी ने 6 शादियाँ की जिनसे इनको 15 के करीब बच्चे हुए। 1759 को अपने वजीर के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां III 1759 से 1760। शाहजहां III 1711 को पैदा हुआ और इनको 10 दिसंबर 1759 को तख्त पर बिठा दिया गया। 10 अक्टूबर 1760 में कलील मुद्दत तक ये बादशाह रहा। इन्होंने एक शादी की जिनसे इनको 3 बच्चे हुए। 1772 को शाहजहां III इस दुनिया से रुखसत हुआ। शाह आलम सानी 1760 से 1806। 25 जून 1728 को दिल्ली में पैदा होने वाला शाह आलम जो पकड़े कमजोर मुगल सुल्तनत का बादशाह 10 अक्टूबर 1760 से 19 नवंबर 1806 तक रहा। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि 1788 में शाह आलम सानी से बादशाहत ली गई और कुछ महीनों के लिए जहान शाह IV बादशाह रहा, लेकिन शाह आलम सानी 1788 में ही तख्त पर दोबारा बैठा। शाह आलम सानी ने 5 शादियाँ की जिससे इनको 16 लड़के और 2 लड़कियाँ हुई। शाह आलम सानी 19 नवंबर 1806 को 78 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। अकबर सानी 1806 से 1837। अकबर सानी 22 अप्रैल 1760 को मराठा अंपायर में पैदा हुआ। अकबर सानी ने 3 शादियां की जिससे इनको 14 लड़के और 8 लड़कियां हुई। लड़कों में बहादुर शाह जफर भी शामिल था जो मुगल सुल्तनत का आखिरी बादशाह था। 19 नवंबर 1806 को अकबर सानी को तख्त पर बिठा दिया गया और 28 सितंबर 1837 तक मुगल सुल्तनत का शहंशाह रहा। बादशाहत के आखिरी दिन ही इनकी मौत वाकई हुई और इनको जफर महल दिल्ली में दफन किया गया है। बहादुर शाह सानी 1837 से 1857। मुगल सुल्तनत का आखिरी चश्म चिराग मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर अपने वालिद अकबर सानी की मौत के दिन 28 सितंबर 1837 को ही बादशाह बना, लेकिन ये बादशाह दिल्ली की किला तक ही महदूद रहा। मुगल सुल्तनत अब अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया के हाथों में थी। बहादुर शाह जफर ने 4 शादियां की और इनके 23 बच्चे हुए। 21 सितंबर 1857 के दिन मुगल सुल्तनत का सूरज गुरूब हुआ और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गिरफ्तार करके रंगून जेल की सलाखों में कैद करने की गरज से ले गए। कैद ही में बहादुर शाह जफर 7 नवंबर 1862 को अपनी आखिरी सांस ले पाया और यूं 1526 को बाबर के हाथों मुगल सुल्तनत का जो सूरज तुलू हुआ था वो 21 सितंबर 1857 को हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हुआ। दोस्तों, 1526 में तेज और ताकतवर शहनशाह बाबर से लेकर 1857 तक के कमजोर और कठपुतली बादशाह तक मुगल सुल्तनत हिंदुस्तान पर तकरीबन 331 बरस तक राज करता रहा। इस दौरानिये में मुगल सुल्तनत ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे बादशाहों की शक्ल में अपना उरूज देखा, जहां मुगल सुल्तनत ने 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी की। कहा जाता है कि औरंगजेब के शहनशाहियत में मुगल सुल्तनत तकरीबन 25% दुनिया की GDP को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन 1700 के बाद मुगल सुल्तनत का जवाल शुरू होने लगा और हुक्मरानों के बीच साजिशें होने लगी और आखिरकार 1857 को मुगल सुल्तनत का खात्मा हुआ। दोस्तों, उम्मीद है ये तारीखी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और आगे शेयर कीजिएगा और मुगल सुल्तनत के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। मजीद इसी तरह की दिलचस्प हकायक पर मबनी और तारीख से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके।
इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।